नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त उछला है हमारी देवभूमि का, जिसमें बात करेंगे उत्तराखंड की तमाम अहम खबरों की। शुरुआत करेंगे विधानसभा में बैकडोर से हुई भर्ती से जुड़े खबर के साथ में। उत्तराखंड विधानसभा में बैकडोर से भर्ती हुए अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल हाईकोर्ट के फैसले के बाद कुछ अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभ्यर्थियों की याचिका को खारिज कर दिया है। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने बताया कि वह सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई को खुद ऑनलाइन देख रही थी। उन्होंने याचिका रद्द होने पर सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद अदा किया है। बता दें कि 228 अभ्यर्थी बैकडोर से भर्ती हुए थे, जिनकी जांच के बाद छुट्टी कर दी गई थी। उत्तराखंड विधानसभा में जो भर्तियां हुई थी और जो निर्णय माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड के खंडपीठ ने, डबल बेंच ने लिया था, उसके खिलाफ कुछ लोग आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय पहुंचे थे। यहाँ पर एक विशेष याचिका SLP लगाई गई थी और यहाँ पर जो डबल बेंच था, उन्होंने उस पिटीशन को खारिज किया है। जब पिटीशन डिसमिस हुई, उसके बाद जो पिटीशनर्स थे, उनके वकील ने ये बात कही कि वो उस पिटीशन को विड्रॉ करना चाहते हैं, जिसकी परमिशन डबल बेंच ने उन्हें दी। ये निर्णय, इस निर्णय के लिए मैं सर्वोच्च न्यायालय का धन्यवाद करती हूँ। ये सभी उत्तराखंड के युवाओं की जीत है, उत्तराखंड के लोगों। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत श्रीनगर बेस अस्पताल पहुंचे। यहां उन्होंने 5 करोड़ की पेयजल योजना की सौगात दी। अपने दौरे के दौरान स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने बेस अस्पताल मेडिकल कॉलेज के अधिकारियों के साथ बैठक भी की। उन्होंने कहा कि 18 दिसंबर को श्रीनगर में स्वास्थ्य विभाग की बैठक होनी है। उन्होंने उत्तराखंड के हर व्यक्ति की हेल्थ ID बनाने की भी बात कही, ताकि सरकार के पास हर व्यक्ति के स्वास्थ्य का ब्यौरा रहे। अब जो पुरानी लाइनें यहाँ 10 साल पुरानी, 20 साल पुरानी, 25 साल पुरानी, 5 करोड़ रुपए की लागत है। अब इन पूरे टैंकों का निर्माण किया जाएगा, सारी नई लाइनें बिछाई जाएंगी, मेडिकल कॉलेज में जो पानी की दिक्कत है वो पूरी दूर की जाएगी और 30 साल तक के लिए कोई समस्या नहीं रहेगी श्रीनगर में। 5 करोड़ रुपए की लागत से आज हमने इसको जो है, इसका टेंडर भी हो गया है और बहुत अच्छा पानी अब श्रीनगर को जो है घर घर में। अब जो पुरानी लाइनें यहाँ 10 साल पुरानी, 20 साल पुरानी, 25 साल पुरानी, 5 करोड़ रुपए की लागत से अब इन पूरे जायजा लिया, साथ ही 7 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास भी किया। महाराष्ट्र PWD को खराब सड़कों की हालत जल्द सुधारने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि जिन सड़कों के डामरीकरण में अनियमितता मिल रही है, उन्हें तुड़वाया जा रहा है। बैठक में सतपाल महाराज ने सिंचाई कार्य की जानकारी भी दी। पर्यटन को लेकर सतपाल महाराज ने कहा कि पौड़ी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शहर में रिंग रोड का निर्माण करवाया जाएगा, साथ ही सतपुली और सयूसी झील का निर्माण भी जल्द करवाने की बात कही है। में हम लोगों ने 7,13,13,000 के हमारी जो विकास के जो हमारी जो राशि है और विकास के जो काम हैं, उसका हमने जो है शिलान्यास और लोकार्पण किया है। ये 7,13,13,000 की सौगात मैंने पौड़ी को दी है, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। और आज हमारे जो हमारे विधायक हैं सम्मानित, उनके साथ बैठ करके हमने पूरा विकास के जितने भी काम पौड़ी में हो रहे हैं, पौड़ी ज़िले में हो रहे हैं, उनका अनुश्रवण किया और हिदायत दी है कि भाई बड़े वेग से हम काम करें और तन्मयता से काम करें। और सड़कों का रखरखाव करना बहुत ज़रूरी है, सड़क की कनेक्टिविटी का बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ अपने हिदायत दी है कि एक योजना बृहद प्लान बनाया जाए, जिसमें कि एक रिंग रोड का निर्माण किया जाए। पौड़ी के अंदर, टाउन के अंदर जो ट्रैफिक का कंजेशन है, जिससे कि हमारे काफ़ी सदस्य यहाँ लेट भी हो गए, तो उस कंजेशन को दूर करने के लिए एक रिंग रोड का निर्माण किया जाए, उसकी योजना बनाई जाए, जिससे कि हम पौड़ी शहर से ट्रैफिक को भाग। वहीं पौड़ी में 20 साल पुरानी मजार पर प्रशासन की JCB चली है, जिसके बाद इलाके में माहौल तनावपूर्ण नजर आ रहा है। दरअसल हिंदू संगठनों के हल्लाबोल के बाद मजार का निर्माण अवैध पाया गया था, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है। बता दें कि पौड़ी के विधायक राजकुमार पुरी ने जिले के कलजुखाल ब्लॉक के चिलौली गांव के पास बनी मजार के पास
टीन शेड बनाने के लिए 2 लाख रुपए के बजट को स्वीकृति दी थी। जब हिंदुवादी संगठनों ने मामले को लेकर आवाज बुलंद की तो मजार की जमीन से जुड़े दस्तावेजों की जांच की गई, जिसमें मजार की चरागाह भूमि पर अवैध निर्माण पाया गया था। बुलेटिन में बाद कीर्ति नगर की भी कर लेते हैं, जहां पुलिस वालों के लिए जल्द ही नए भवन बनकर तैयार होंगे। इसके अलावा देवप्रयाग और मलेथा समेत आसपास के दर्जनों गांव कीर्तिनगर कोतवाली में शामिल होंगे। दरअसल टिहरी के एएसपी विजेंद्र दत्त डोभाल कीर्तिनगर कोतवाली का औचक निरीक्षण करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने लंबित मामलों के साथ मालखाने और पुलिस के भवनों का जायजा लिया। मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान एएसपी ने बताया कि कीर्ति नगर कोतवाली के लिए नए ऑफिस और मालखाने का प्रपोजल दिया गया है, साथ ही राजस्व क्षेत्रों को रेगुलर पुलिस को दे जाने की भी कवायद चल रही है। तो कीर्ति नगर कोतवाली के लिए नए ऑफिस और मालखाने का प्रपोजल दिया गया है और राजस्व क्षेत्रों और राजस्व पुलिस को लेकर के लगातार सवाल उठ रहे थे। अंकिता हत्याकांड के बाद से लगातार राजस्व पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे थे। लगातार ये मांग की जा रही थी कि रेगुलर पुलिसिंग की व्यवस्था की जाए, और इसी दिशा में अब कीर्तिनगर में एएसपी कदम बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जनता को भी इससे सहूलियत मिलेगी। लगभग राजस्व क्षेत्र का जो मलेथा का एरिया है वो थाना कीर्तिनगर में आएगा, और इसके अलावा एक थाना छाम और कंडीसौड़ गजा चौकियां हमारे यहाँ खोली जा रही हैं। ये फेस वाइज रेवेन्यू क्षेत्र को पुलिस क्षेत्र में बदला जा रहा है, तो इसमें 2-3 फेज बनाए गए हैं। फर्स्ट फेज में हमारे यहाँ एक थाना और 3 चौकियों का प्रपोजल है, और इसके अलावा भी जो अन्य रेवेन्यू क्षेत्र हैं वो अगले फेज में हम लोग उसका प्रस्ताव भेजेंगे और वो स्वीकृत हो जाएंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। सर, कीर्तिनगर कोतवाली को भी हल्का सा डेवलप आप लोग कर रहे हैं कुछ? कीर्तिनगर कोतवाली का कुछ भवनों का हम लोगों ने प्रपोजल भेजा है, जिसमें एक कार्यालय का भी है, इसके अलावा मालखाने का भी हम लोग प्रपोजल भेज रहे हैं यहाँ से। और आज जैसे कि मैं निरीक्षण में आया था यहाँ कीर्तिनगर थाने का, तो मैंने मालखाने का निरीक्षण भी किया और जो लंबित जितने माल हैं हमारे उनके निस्तारण करने के निर्देश दिए गए हैं। लंबित हमारी विवेचनाएं जितनी हैं उनकी समीक्षा की गई। कीर्तिनगर ब्लॉक को सामुदायिक विकास भवन की सौगात मिली है। आपको बता दें कि ये सामुदायिक विकास भवन 2,36,00,000 की लागत से बनकर तैयार हुआ है, जिसका लोकार्पण विधायक विनोद कंडारी ने किया। इस दौरान उन्होंने कई योजनाओं की भी घोषणा की। विनोद कंडारी ने बताया कि लंबे वक्त से कीर्तिनगर ब्लॉक को भवन की जरूरत थी, क्योंकि अब तक यहां अलग अलग छोटे भवनों से विकासखंड के कार्यालय चल रहे थे। अब इस भवन के बनने के बाद एक ही जगह से सभी कार्यालय चल सकेंगे और ग्रामीणों को परेशानी नहीं होगी। बड़ी खुशी मुझे हो रही है कि मैं आज दिन से कीर्तिनगर ब्लॉक के, क्योंकि मैं जब बीटीसी में जब पिछली बार विधायक बनकर आया था तो मुझे लगा कि यहाँ का भवन बनना चाहिए, और मुझे बड़ी खुशी हो रही कि आज इसका मैंने लोकार्पण किया है। और एक हफ्ते के अंदर अब यही सौगात में हिंडोला खाल ब्लॉक को देने जा रहा हूँ, उसका भी पैसा जारी होने वाला है, परसों उसकी वित्तीय स्वीकृति मिलने वाली है। और हिंडोला, क्योंकि मैंने पिछले कार्यकाल में दोनों भवनों के आदेश करा दिए थे, वहाँ पर हिंडोला खाल का जो है उसका टेक्निकल कागज नहीं पहुँच पाया था, मगर पहुँच गया है, उसका भी कल परसों जीव जारी है। तो यही इसी प्रकार का एक जो भवन है हिंडोला खाल के मिलने वाले हैं। और ये आप देखिए कि यहाँ पर एक ही छत के नीचे सारे डिपार्टमेंट आएंगे, अब नीचे की जो भवन है वहाँ पर नए डिपार्टमेंट आएंगे, जैसे बाल विकास वाले होंगे, अपने कृषि वाले होंगे, बहुत दूर पड़ता है। तो एक बहुत ये जनप्रतिनिधियों के लिए बहुत अच्छा एक सुनहरा मौका है, और ये केवल जनता की देन है, जनता के आशीर्वाद। नशे के कारोबार के खिलाफ उत्तराखंड पुलिस एक्टिव नजर आ रही है। जसपुर में भी नशे के सौदागरों पर पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। नशे के सामान के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों की पहचान शाहरुख, नासिर और मेहर के रूप में हुई है, जिनके कब्जे से 6.2 ग्राम स्मैक बरामद की गई है। बता दें कि पुलिस ने गश्त के दौरान 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। में लगातार नशे की शिकायतें काफ़ी प्राप्त हो रही थी। इसके मद्देनज़र श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उधम सिंह नगर द्वारा लगातार आदेश निर्देश देकर टीमें गठित की गई, जिसके
अनुपालन में जसपुर पुलिस द्वारा प्रभारी निरीक्षक कोतवाली जसपुर के नेतृत्व में टीम गठित कर गश्त के दौरान चांस रिकवरी में पतरामपुर रोड फैजाम स्कूल के पास से 3 लोगों को इसमें तस्करी करते हुए गिरफ्तार किया गया। इसमें एक मोहम्मद शाहरुख जो पहले भी स्मैक तस्करी चोरी और आम सेक्टर में जेल जा चुका है, इसके कब्जे से 3.60 ग्राम स्मैक बरामद हुई, जबकि एक दूसरा अभियुक्त मोहम्मद नासिर उसके कब्जे से 1.30 ग्राम स्मैक बरामद हुई और एक तीसरा अभियुक्त है मेहर आलम जिसके कब्जे से। उत्तरकाशी के पौराणिक माघ मेले को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। प्रशासन ने भी तैयारियों को लेकर कमर कस ली है। जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजलवाण की अध्यक्षता में जिला पंचायत सभागार लदाड़ी में बैठक हुई जिसमें स्थानीय लोग और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था, ट्रैफिक, सांस्कृतिक धरोहर, स्वच्छता और स्वरोजगार को लेकर नागरिकों ने अपने सुझाव दिए। मेले को भव्य और दिव्य रूप देने के लिए, स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए महिला स्वयं सहायता समूहों को प्राथमिकता देने पर भी जोर दिया गया। उत्तरकाशी के कस्तूरबा गांधी महिला विद्यालय में होम्योपैथिक चिकित्सा को लेकर शिविर का आयोजन किया गया। तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय गंगनानी में शिविर का आयोजन किया गया था। इस दौरान छात्रावास में रहने वाली छात्राओं को होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति और इसके फायदों के बारे में जानकारी दी गई। शिविर में डॉक्टर पमिता उनियाल ने 186 बच्चों और स्टाफ का मेडिकल चेकअप भी किया। उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए एबी स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।